दोस्तों, हेल्दी और टेस्टी भोजन खाने के बाद भी कई लोगों को अक्सर पेट में दर्द की समस्या महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों को भोजन के तुरंत बाद पेट का टाइट हो जाने या पेट में भारीपन के साथ दर्द की शिकायत होने लगती है। वहीं कई बार यह दर्द इतना तेज हो जाता है कि यह असहनीय बन जाता है। यह एक कॉमन समस्या है, लेकिन जिन लोगों को कभी कभार इस तरह का दर्द होता है वे अक्सर इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या मामूली नहीं है? एक सर्वे में यह देखने को मिला कि वैश्विक स्तर पर 11% लोगों को ये समस्या होती है। पेट में दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू स्तर पर मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, केला खाएं। दक्षिण भारतीय परिवारों में भोजन के बाद आधा या एक केला खाने की प्रथा देखी जाती है। यह भोजन को पचाने और पाचन तंत्र को कार्य करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। आप भी किसी एक्सपर्ट से इस बारे में पूछकर भोजन के बाद केले का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने में दही बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसीलिए बहुत से लोग अनिवार्य रूप से दोपहर के भोजन के साथ दही या छाछ का सेवन करते हैं। दही का सेवन करने से पेट की गैस कम होती है, जिससे पेट में दर्द और भारीपन की समस्या से राहत मिलती है। दही एक अच्छे प्रोबायोटिक होने के कारण गट को भी हेल्दी बनाता है। हींग वाला पानी पिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हींग का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। हींग का तड़का भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को बढ़ाता है, साथ ही साथ इससे पेट की गैस और पेट में दर्द की परेशानी कम होती है। दरअसल हींग में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और हींग का यही गुण भोजन के बाद होने वाली समस्याओं जैसे एसिडिटी और अपच आदि से आराम दिलाते हैं। इसी तरह कुछ लोग भोजन के बाद पानी में हींग घोलकर पीते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार पेट में दर्द की शिकायत और खासकर भोजन करते ही पेट में दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके और समय रहते इसका इलाज कराया जा सके। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।